हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा कुक विद आकांक्षा स्टाइल के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर कोफ्ते करी की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना डिले के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। 2 टेबल स्पून दही लेंगे, दही फ्रेश ही लीजिएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, इससे बस कलर अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून हरे मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 200 ग्राम मटर ले रही हूँ। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। फिर मैं इसमें 2 हरी मिर्च डालूंगी, देखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सात से आठ लहसुन की कलियां डालेंगे। एक डंठल धनिया पत्ता डालेंगे, जिसे मैंने पहले ही वॉश कर ली थी। तो ये देखिए, मटर को मैं पीस ली हूँ, तो बिना पानी डाले ही आपको पीसना है। अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून ही जीरा डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें बेसन डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्स करते समय आपको लग रहा है कि इसमें बॉल्स नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डालिएगा। तो हमारे बेटर रेडी हैं। कढ़ाई में 1.5 कप पानी डाली हूँ, इसे हल्का ही गर्म कर ली थी। अब फ्लेम को भी मैं ऑफ कर दी हूँ। स्टीम मेकर में हल्का समय ऑयल से ग्रीस कर दी हूँ, जिससे कि जो भी मैं मटर के बॉल्स बनाऊँगी उस निकालने समय वो चिपके नहीं। और मैं मीडियम साइज़ के ही बॉल्स बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज रख सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मटर पनीर की रेसिपी, मटर की घुगनी जो बनती है वो रेसिपी, वो जब सब आपने खाए होंगे, मगर ये रेसिपी आप पहले शायद नहीं खाए होंगे, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही स्टीम करने के लिए छोड़ देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मिक्सिंग जार में मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में कट कर ली हूँ, तो इसे डाल देंगे। मीडियम साइज के प्याज को मैं स्लाइसेस में ही कट कर ली थी, तो इसे भी मिक्सिंग जार में डाल देंगे। फिर इसमें 4 से 5 मैं लहसुन की कलियाँ और 4 से 5 मैं अदरक का टुकड़ा डाली हूँ, इन सभी को पीस लेते हैं। कढ़ाही गर्म हो गया है, मैं इसमें 2 टीस्पून सरसों ऑयल डाल रही हूँ
और अच्छे से इसे गर्म होने देंगे। वाइल गर्म हो गया है तो हाफ टी स्पून जीरा डाले हैं, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता डालेंगे, टमाटर और प्याज का पेस्ट डालेंगे, इसे चलाते हुए भूनेंगे। आज टमाटर का पेस्ट भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है तो ये अच्छे से कुक हो गया है। तो बस मैं इसमें दही वाले जो सूखा मसाला रेडी की थी इसमें डाल देंगे। और इस समय फ्लेम को लो कर देंगे जिससे कि दही फटे नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस समय पेस्ट बनाए उस समय दही गाढ़ ही लीजिएगा। तो ये देखिए सूखा मसाला भी जो मैं डाली थी वो भी अच्छे से भून गया है। तब मैं इसमें पानी डालूँगी। डेढ़ कप में पानी डाली हूँ। और इसे ढक करके एक बॉईल आने देंगे। मैं ढक्कन को हटा देती हूँ। ये देखिए ग्रेवी में बॉईल आ गया है। तो मटर के बॉल्स इसमें डाल देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे जिससे क्या होगा कि अब जो मटर के बॉल्स है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे ढक करके पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। आज की मटर के कोफ्ते की ग्रेवी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको एक कोफ्ते कट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।